लग गई लॉटरी। कम्बर, ये क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं, अपना हिस्सा ले रहा हूँ। अरे कौन सा हिस्सा? अरे वो जो तुम सामान के पैसों में से पैसे चुराती हो, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। बकवास बनकर, और दे मेरे पैसे। नहीं दूंगा। दे मुझे। अरे जा कह दे साहब से, नहीं दूंगा। साहब से तो मैं जरूर कहूंगी, लेकिन ये नहीं कि तूने मेरे पैसे निकाले। क्या कहेगी? बताती हूँ तुझे मैं, अभी तू देखता रहे। ये देख साहब जी से क्या हुई, देखता जा तू। देख साहब, अरे अरे अभी बताती थी। अरे दादी, अरे रसीद देना साहब जी, रसीद देना मारा। और उसने मुझसे बदतमीजी भी की है। क्या कर रही है यार? ये झूठ बोल रही है साहब, मैंने इसकी चोरी पकड़ ली थी इसीलिए। चोरी पकड़ी तुमने? इसीलिए ड्रामा कर रही है। चोरी पकड़ी है तुमने इनकी? सफेद की चोरी पकड़ी है तुमने? ख्वास करते हो सामने, झूठ बोलते हो। दफा हो जाओ इस घर से, गेट आउट। साहब आप बेशक मुझे जान से मार दें, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। सुना नहीं क्या कहा मैंने? दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में या इस इलाके में नजर आए तो हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। सुना तुमने? गेट आउट। रोने का कोई फायदा नहीं सफिया, अभी चाहे जाके काम कीजिए। जी साहब जी। सॉरी यार, नहीं हैंडल कर पा रहा हूं ये सब। इरशा, तुम्हें मेरा खत पढ़ा? नहीं। तो तुम सारी रात जागी क्यों? तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सारी रात जागी हो। खैर, सोया तो मैं भी नहीं हूं, पूरी रात छत पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आई। सुबह भी चाबी देने के लिए नहीं आई थी, और गलती से घर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। इसका मतलब है कि तुमने मेरा खत पढ़ लिया है, लेकिन तुम्हें मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। बात खत्म हो गई है तुम्हारी? तुम्हारी बात शुरू हुई कहाँ है? इस तरह मुझे बार बार गली में मत रोका कर। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे और बदनाम करवाना चाहते हो क्या? तुम नाम लो उसका, तुम्हारे बारे में बात कौन करता, जुबान खींच लूंगा मैं उसकी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना, तुम बस मुझसे दूर रहो। सब नहीं रोकूंगा,
बस एक बार तुम इशारा दे दो कि तुम मेरा इंतजार करो कि मैं खुद को बदल लूंगा, इतना कमाऊंगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश हर तमन्ना को पूरी कर दूंगा। नहीं किया तुमने। ऐसा क्या कर दिया मैंने पुप्पो? एक की बात सुनी, दूसरे के खिलाफ फैसला सुना दिया। नहीं नहीं पुप्पो, ऐसा हरगिज नहीं। मैंने दोनों को सुना, सफिया सच्ची लगी और रशीद झूठ बोल रहा था। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अच्छा बिजनेसमैन जरूरी नहीं कि वो घर भी अच्छा चला ले। अब इस बात का क्या मतलब? मर्द कुछ भी कर ले, वो घर नहीं चला सकता, घर औरत ही चलाती है। मैं तो कहती हूं कि इस घर को भी एक समझदार औरत की जरूरत है, शादी कर लो। पप्पू मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मेरे हर मसले का हल आकर मेरी शादी पर ही क्यों खत्म होता? भाई औरत है ना मसले, तो एक काम कीजिए, आप आ जाइए, आके इस घर का कंट्रोल ले लीजिए अपने हाथ में। नहीं बाबा, मैं अपने घर में ही अच्छी। क्या मतलब है आपका, ये घर आपका नहीं है? कुछ झूठ सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सच सच ही होता है। ये घर शमसा का था और अब उसका होगा जिसको तुम ब्याह कर लाओगे। बाहर से तुम जितनी भी इज्जतदार औरतें ले आओ ना, वो एक दिन चली जाएंगी। भाई तुम्हारी बीवी होगी, इस घर की मालकन होगी, इस घर में रहेगी, उसकी बात की अहमियत होगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, आयजल का ख्याल रखेगी। फिर नौकरों की मजाल है कि वो उसके सामने ही तमाशे करें? मैंने पहले भी कहा था आपसे और आज भी ये कहता, शमसा के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल है अब शादी कर। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम एक दिन खुद मेरे पास आओगे कि पप्पू आप ठीक कह रही। देखते क्या हुआ अबा? क्या हुआ कि बच्ची, ये बता क्या क्या चक्कर है तेरा जिम्मी से? कोई चक्कर नहीं है। झूठ बोलती है, मेरी आंखों में धूल झोंकेगी तू। सच सच बता, सच सच बता वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। अबा मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही है तू, जो सच नहीं कह रही, झूठ बोल रही है तू मेरे साथ। सच बता दे, क्या चक्कर है तेरा जिम्मी से? मैं सच कह रही हूँ अम्मा की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही है तू, तू तू ऐसे नहीं बताएगी, ऐसे नहीं बताएगी। कैसे साहब जी, किचन का सामान लाने वाला है, रशीद तो आ नहीं रहा, तो आप किसी की ड्यूटी लगा दें। काम कीजिए, आप पैसे रख लीजिए, मैं ऑफिस जाके आरिफ साहब को भेजता हूँ, उनके साथ चली जाइएगा, जो भी ग्रोसरी करनी है वो कर लीजिएगा, ठीक है? साहब जी मैं, आप लिस्ट दे दीजिएगा आरिफ को, वो ले आएगा सर। ठीक जी, ठीक है।
Hello, good morning. Good morning, Dad. All set to go? Yep. चलो शाम में मिलते हैं. ओके ओके. हैव अ गुड डे. यू टू. बाय बाय. इसका मतलब है कि रशीद सच कह रहा था. बीबी जी आप? जी मैं. कब से कर रही हैं आप ये? क्या देखिए सफिया बी, आपको जितने भी पैसे मिलते हैं या आप उसके साथ क्या करती हैं, इन मैटर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन मेरी मामा की डेथ का कोई गलत फायदा उठाए या फिर मेरे पापा की आंखों में कोई धूल झोंकने की कोशिश करे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती. तो बेहतर होगा कि आप खुद को ठीक कर ले, क्योंकि झूठ हर बार नहीं बिकता. समझ रही है ना आप? जी. खुद को ठीक कर ले. गलत किया क्या है मैंने? क्या चक्कर है तेरा जिम्मी से? कोई चक्कर नहीं है. झूठ बोलती है. अब्बा मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. झूठ बोल रही है तू. तू सच नहीं कह रही, झूठ बोल रही है तू मेरे साथ. सच बता दे, क्या चक्कर है तेरा जिम्मी से? अपने घर में इनवाइट करोगी, हम चलते हैं. ऐसी बात नहीं है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार. कम ऑन चलो. अरे यार मैं मजाक ही कर रहा था. देखो मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, तो चलो अंदर, लेट्स गो. नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है. हम रेस्टोरेंट से कुछ खाते हुए निकल जाएंगे. मैं खाना खिला दूंगी तुम लोगों को, कम ऑन. ओके गाइस फिर चलें अंदर. या तुम लोग गाड़ी पार्क करो और अंदर पहुंचो. अब मैं अपना फोन उठा लूं. फोन उठा. सफिया बी प्लीज खाना थोड़े से स्नैक्स बना के ऊपर मेरे कमरे में भेज दीजिएगा. ओके
तुम कहाँ जा रही हो? आयजम के रूम में, तुम लोग भी आ जाओ। अरे हम भी चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं क्या हो गया, ऐसे किसी कमरे में कैसे जा सकते हैं? भाई ये लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? वहाँ खड़े होकर शर्मा रहे हैं। तुम भी बुला लो, तुम जाओ मैं लेकर आ रही। मैं तो इसको बोल रहा था चलने को, यही नहीं आ रहा था। क्यों शर्मा रहे हो? चलो। नहीं नहीं इट्स ओके। चलो भाई क्या हो गया, कम ऑन। कार्ड्स खेला या लूडो? ये शोर सर, आइजल ऑर्चिड फेस टू को अगर हम फेस वन से कंपेयर करें तो हमने बहुत सारे इसमें नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए, लाइक एक हॉस्पिटल रखा है हमने, जो पार्क्स और रोडों की साइज है वो बड़ी रखी है, और इसके अलावा हमने एंट्रेंस पे एक पेट्रोल पंप रखा है, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ऐसी इंट्रोड्यूस कराई हैं जो आम प्रोजेक्ट्स में नहीं होती, ताकि हमारे जो फ्यूचर में अगर हम कोई और इस तरह का हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये सारी जितनी भी सॉरी यार, यू गाइस कैन कैरी ऑन, आई हैव टू टेक दिस। हेलो क्या हुआ? जी अर्शदा, आपने खास तौर पे ध्यान ये रखना है कि जितने भी हमने इसमें फीचर्स ऐड किए हैं, ठीक है ना, वो एज इट इज इसमें हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। चलो भाई, एक्सक्यूज मी मिस, क्या कह रही हो? प्लीज पीछे चीटर, और ये तो इतना आगे क्यों निकल रहे हो? मेरी यहां पे आई है यार, मेरी भारी 63 स्टॉप। ये लाओ दो मेरी भाई, क्या हो? हेलो जी मामा। ना ठीक है, 4-2 अभी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही। ओके बाय। क्या हुआ? मुझे जाना होगा, मैंने अभी लंच लगवाया, लंच करके चले जाना। मेरा भी बहुत दिल कर रहा लंच करने का, लेकिन मामा कह रही है फौरन से घर आ जाओ। पता है क्यों? क्योंकि फुप्पो आए हुए हैं। ओह, फुप्पो का मामला है, तो फिर तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, क्योंकि खानदान में कोई नया सीन ना खुल जाए। जी नहीं, मेरी फुप्पो ऐसी नहीं है। नाइस फुप्पो। अच्छा गाइस, मुझे लगता है मैं छोड़ दूं इसको, कैसे जाएगी अकेले? तो भाई मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे ये छोड़ देगी ना तुम्हें, पक्का ना? हाँ मैं छोड़ दूंगी, डोंट परी इनको जाने दो। चल सही है, सी यू बड़ी। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी गेम एंजॉय करो। बाय बाय। बाय, सी यू। जगह तो दे दो। चल सही है बड़ी। देखो अब ये वाला एंड ये वाला, हाँ जी, दैट्स माय टेरिटरी एंड दिस इज योर टेरिटरी, ठीक है? लेट्स प्ले। आ जाओ, दरवाजा खुला है। वो आज थोड़ा सर में दर्द था इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं गई। मार तुम्हें टांगों पे पड़ी और दर्द सर में हो रहा है, पूरे मोहल्ले ने तुम्हारी चीखें सुनी अर्सा। वो तो शुक्र है कि जमशेद भाई घर पे नहीं थे, वरना 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 उसी वक्त आते और चाचा का हाथ पकड़ लेते, ताकि मेरी और बदनामी होती। इसमें जमशेद भाई का क्या कसूर है अर्सा? वो तो शमीम खाला ने, शमीम खाला ने क्या, उन्होंने चाचा के कान भरे हैं। ऐसे लोगों को लेना देना कुछ नहीं होता, फजूल की बातें करके दूसरों के घरों में झगड़े करवाते हैं। कसूर शमीम खाला का नहीं है, कसूर मेरा है। मैं अब्बा को अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकी, मेरा सच शमीम खाला के झूठ के सामने हार गया। कॉल्स आ रही होंगी दोस्तों की यूनिवर्सिटी से? आ रही है, मैंने कहा है मैं शहर से बाहर हूं।
अच्छा ऐसा एक बात मानोगी? बोलो। पहले वादा करो। बात तो बताओ। पहले वादा करो। अच्छा वादा। वो जमशेद भाई तुमसे मिलना चाहते। नहीं। देखो तुमने वादा किया था। क्या हो गया बानो? तुम रही सही कसर भी पूरी करवाना चाहती हो? अब्बा मार डालेंगे मुझे। इसमें क्या परेशानी है? अभी तो खाला शमीम भी नहीं है घर पे। मैंने कह दिया ना नहीं। देखो वर्षा, अभी अगर तुम ना करोगी ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं फिर जाऊंगी। अच्छा रुको तो। अच्छा बुलाओ उसे और बिठाओ बाहर। ठीक है सही है। लेकिन मेरी बात सुनो, जब तक वो चला नहीं जाएगा तो मेरे साथ रहोगी? हाँ हाँ मैं साथ रहूंगी। मैं बुला के आती हूँ। एक मिनट, यू गेट आउट। पापा सुना नहीं तुमने? गेट आउट। पापा क्या किया आपने? और जो कुछ तुम कर रही थी वो सब सही है? मैं सिर्फ लूडो खेल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम उस लड़के के साथ। पापा आप जैसा समझ रहे हैं मैं सब कुछ नहीं है। शट अप। जस्ट शट अप। आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। मैं मिलूंगी, फ्रेंड है वो मेरा। आमिना, कान खोल के मेरी बात सुनो। पहली और आखिरी दफा वॉर्न कर रहा हूं तुम्हें। तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा, मेरा गुस्सा नहीं देखा। बानो किधर है?
मैंने उसको बाहर खड़ा करके रखा हुआ है ताकि कोई भी आए तो वो नॉक करते। बैठो। I'm sorry. किस बात के लिए? चचा ने मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी। देखो जमशेद मेरा पीछा छोड़, मैंने अब्बा के डर के बावजूद तुमसे मिलने की हामी सिर्फ इसलिए भरी है ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं। अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, तो अब्बा ने मेरे साथ ये किया है। सोचो अगर होती तो वो मेरे साथ क्या करते। प्लीज मुझे और मुश्किल में मत डालो, प्लीज। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने का हक मांगा है। तुम दो ना दो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। और हाँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगा कि आरिफ चाचा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत किया है, और उसे भी सामने लेकर आऊंगा जिसने आरिफ चाचा को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। फैजल से बात करने की कोशिश की है तुमने? गया था उसके कमरे में, दरवाजा नॉक किया, इंतजार किया, पर बहुत गुस्से में उसने दरवाजा नहीं खोला। कमाल, समझने की कोशिश करो, आजकल के दौर में बच्चे बच्चियां आपस में इस तरह खाते पीते और गपशप लगाते रहते। इट्स नॉट अ बिग डील, बस तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार, बहुत गुस्सा आ गया था, बेख्तियार होकर हाथ उठ गया मेरा। सर कोई बात नहीं, हो जाता। सच पूछना, आज मां शमसा को बहुत मिस कर रहा हूं मैं। अगर वो होती तो जो मैंने किया वो शमसा करती तो शायद आयजल को इतना बुरा भी ना लगता। इतना याद नहीं आई मुझे शमसा पहले कभी। मैं समझ सकता हूँ, बेटियों के कुछ मामला ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ ही हैंडल कर सकती। कोई बात नहीं, फायजा गई है आजल के पास, वो करेगी बात उससे, सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम बैठो। सॉरी, तुम आओ ना, तुम भी बैठो। अरे बैठो, रिलैक्स। मुझे पूरा यकीन है फायजा में वो सारी क्वालिटीज हैं, एक अच्छी माँ वाली, हैंडल कर लेगी ऐसा। आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा किया तुम्हारे पापा ने, एटलीस्ट उन्हें तुम पे ट्रस्ट तो करना चाहिए था ना, और इंसल्ट ही कर दी दोस्तों के सामने। सैड, I'll talk to him, no? समझाऊंगी मैं उनको, बल्कि उनको लेकर आऊंगी तुम्हारे पास, खुद आके तुमसे सॉरी करें, क्या? मुझे पापा से कोई बात नहीं करनी, और अगर मुझे कोई बात करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है। अच्छा तो तुम रेस्ट करो, मैं बाहर जाती हूँ, बट इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी, हाँ, यू नो माई नंबर।
चलो टेक केयर देन. मैं जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं जो सिर्फ इतनी सी ही बातों से किसी से भी मोहब्बत कर बैठे. बहुत वक्त लगेगा तुम्हें मेरी होने में, मगर मुझे उम्मीद है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी. बस एक बार तुम इशारा दे दो कि तुम मेरा इंतजार करो कि मैं खुद को बदल लूंगा. इतना कमाऊंगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश हर तमन्ना को पूरी कर दूं. मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने का हक मांगा है. तुम दो ना दो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा. जी पप्पू. नहीं पप्पू, मैं ये लड़कियों की पिक्चर्स वगैरह नहीं देखूंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. पप्पू नहीं अच्छा लगता, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ पप्पू, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता. ओके आरिफ, एक गाड़ी लेफ्ट पे रोकना जरा. Sorry guys, come on. Leave it yaar. By the way, Hazel, मैं एक बात बोलूं if you don't mind. तुम्हारे बाबा चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो जाए, उनकी सोच छोटी रहेगी. I mean, उस दिन अशर ने किया ही क्या था यार, जो कि इतना हाइपर हो गए वो. सॉरी कहा ना मैंने. अच्छा छोड़ो ना यार, वो सॉरी कर तो रही है, और वैसे भी इसमें उसका क्या कसूर. हाँ तुम तो यही कहोगी ना, इंसल्ट तो उस बेचारे अशर की हुई, इसी वजह से वो आज यहाँ हमें मौजूद नहीं है. Let's change the topic, किसी और बारे में बात करते हैं. देखो आज अशर यहाँ पे नहीं है, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी. ओके पनिशमेंट नहीं, डेयर करना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है आज का बिल मैं पे कर दूंगी. अरे वो तो तुम ऑलरेडी कर रही हो, लेकिन ढेर भी करना होगा. कैसा ढेर? ढेर ये कि तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ेगी, ये ढेर. नो कमॉन कमॉन. Are you sure? Yes, I'm sure.
मैंने पहले कभी सिगरेट पी नहीं है, बट यू नो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. अरे नहीं 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 सिप नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा सिगरेट पीनी पड़ेगी. पियो पियो.